हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्पेशली वाइट डिस्चार्ज पे बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीरियड आने से पहले आप कैसे पीरियड के 25वें दिन से या फिर किसी किसी महिला को पीरियड के 20वें दिन से ही इस तरह का डिस्चार्ज होने लगता है। सिर्फ और सिर्फ वाइट डिस्चार्ज से ये आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आप प्रेगनेंट हो चुके हैं, आपके गर्भ में प्रेगनेंसी की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, या फिर अभी आपके अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेगनेंसी रुकने के बाद कौन सा और किस तरह का डिस्चार्ज होता है जो ये बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, पीरियड आने से पहले भी डिस्चार्ज होता है और जब ये डिस्चार्ज होता है तो महिलाएं डर जाती हैं कि कहीं हमारे पीरियड तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हम प्रेगनेंसी की जो है प्लानिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी एक लाइक से और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी आगे आपके लिए इस तरह की वीडियो, डिटेल वीडियो बनाएं हर एक टॉपिक पे, ताकि आप ये समझ पाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हर महीने ट्राई करते हैं तो आपको ओवुलेशन के डेज में ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय महिला की ओवरी से अंडा बाहर निकलता है और इसी टाइम पे आपके पार्टनर का सेल अंडे को फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइज कर देता है। ये सारा प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन कुछ महिलाओं को लगता है कि वह अभी से प्रेगनेंट हो जाती हैं, यानी उन्हें लगता है कि ओवुलेशन के तुरंत बाद या फिर ओवुलेशन रखने के तुरंत बाद वह प्रेगनेंट हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद कम से कम 6 से 7 दिन का समय लगता है। यानी अगर आपका ओवुलेशन पीरियड के 14th डे पे हुआ तो कम से कम आपको प्रेग्नेंट होने में 6 से 7 दिन और लगते हैं। अगर हम डिटेल में देखें तो आपको प्रेग्नेंट होने में पीरियड के 25वें दिन के बाद ही आप सही मायने में प्रेग्नेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स, जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है तो अभी भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। इसके बाद ये फर्टिलाइज हुआ एग यूट्रस की तरफ ट्रेवल करता है, जिसमें 6 से 7 दिन का पूरा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि अभी फर्टिलाइजेशन हुआ तो अभी जाकर अंडा चिपक जाएगा, यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो इसमें कम से कम 6 से 7 दिन का समय लगता है। जैसे ही फर्टिलाइज एग यूट्रस में जाकर चिपक जाता है गर्भाशय की दीवार पर, तब महिला सही मायने में प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी पीरियड के 25वें दिन तक या फिर कई बार आपकी पीरियड डेट तक ये प्रोसेस चलता है, और इसी समय से एससीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होने लगते हैं ताकि प्रेगनेंसी को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। तो इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने के कारण वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है महिलाओं में बढ़ जाती है। ये वाइट डिस्चार्ज जो है वो क्रीमी वाइट डिस्चार्ज होगा, इसका जो टेक्स्चर होगा वो क्रीमी होगा, लिक्विड यानी वाटरी नहीं होगा, रनिंग नहीं होगा। अगर आपने हाथ में लिया है तो आपके हाथ पे ही टिका रहेगा। वाइट कलर का ये होगा और इसमें से माइल्ड सी स्मेल भी आ सकती है और कई बार नहीं भी आती है। ये फर्स्ट साइन होता है आपकी प्रेगनेंसी का। ये डिस्चार्ज महिला को देखकर ये डिस्चार्ज थोड़ी टेंशन हो जाती है कि कहीं हमारे पीरियड तो नहीं आने वाले। तो फ्रेंड्स, जो पीरियड आने से पहले डिस्चार्ज होता है वो क्रीमी नहीं होगा, इसकी एक ये पहचान होगी, वो क्रीमी बिल्कुल नहीं होगा, वाटरी हो सकता है, वाटरी होगा, रनिंग होगा, लेकिन क्रीमी नहीं होगा। लेकिन प्रेग्नेंट होने पर क्रीमी वाइट डिस्चार्ज होता है तो आप समझ लें कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि ये डिस्चार्ज थिक भी होगा। जो प्रेग्नेंट होने का डिस्चार्ज होगा वो थिक होगा, गाढ़ा होगा, मिल्की क्रीमी, जैसे दूध की क्रीम होती है उस तरह से, या फिर कर्ड की तरह हो सकता है। ये क्लियर करता है कि आपके गर्भ में इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है। और प्रेगनेंसी के समय सफ़ेद पानी आना बिल्कुल नॉर्मल है, इसको लेकर आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको सफ़ेद पानी निकलता है तो तब आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता है, वो मैं आपको आगे वीडियो के एंड में बताऊँगी, ताकि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए इस वाइट डिस्चार्ज की वजह से। ये डिस्चार्ज गर्भाशय ग्रीवा में के अंदर बनता है, जो कि शरीर से गंदगी बाहर निकालता है और बच्चे को इन्फेक्शन होने से बचाता है। लेकिन कई बार इस डिस्चार्ज की वजह से आपको इन्फेक्शन भी लगने लगता है, जिसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और ये डिस्चार्ज पूरी प्रेगनेंसी आपको रहता है, लेकिन ये डिस्चार्ज होने से आपके प्राइवेट पार्ट का एरिया गीला रहता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन भी लग जाता है, जिसमें प्राइवेट पार्ट में इची सेंसेशन आपको होने लगती है इसके कारण, और आपको भी अनकम्फर्टेबल लगने लगता है। कई बार ये इन्फेक्शन अंदर तक चला जाता है,
यूटीआई इन्फेक्शन आपको हो जाता है, ऐसे में आप पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करें अगर आपको बहुत अधिक डिस्चार्ज हो रहा है। पैंटी लाइनर का इस्तेमाल उन दिनों में किया जाता है जब आपके पीरियड ना हो, यानी फ्लो ज़्यादा ना हो, और जब आपको पीरियड रुक जाता है उस समय पर होता है, हल्की हल्की स्पॉटिंग होती है, और समय पर हम पैड रखना उचित नहीं समझते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ हल्का सा मिल जाए, तो उसके लिए आप पैंटी लाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैंटी लाइनर हल्की स्पॉटिंग हल्के पीरियड फ्लो को सोखता है, और वाइड डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो उस समय पर भी काम आता है। और छींकना या फिर खांसी अगर आप कर रहे हैं या फिर कोई भारी काम कर रहे हैं तो जिसके वजह से क्या होता है, जंपिंग कर रहे हैं तो जिसकी वजह से ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, उस समय पर हल्की सी यूरिन आपको लीक हो जाती है, तो उस समय पर भी पैंटी लाइनर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ऐसा फील होता है तब भी आप पैंटी लाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, मेनली हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में, अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो जिससे आपको काफ़ी गीला नीचे फील होता है, आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल सा लगता है, तो ऐसे में आपको पैंटी लाइनर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपको ड्राई रखेगा और आपको फ्रेश फील करवाएगा और साफ़ और सुथरा महसूस करवाता है। वाइड डिस्चार्ज से जो आपको लगातार गीलापन की जो परेशानी रहती है वो नहीं होती है अगर आप पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में बहुत से पैंटी लाइनर हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी एवरटीन पैंटी लाइनर, ये क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम करता है कि ये 100% नेचुरल कॉटन इसकी जो सरफेस है जो इंस्टेंट ड्राई और सॉफ्ट आपको फील करवाती है। और ये मैं उन दिनों में ट्राई करती हूँ जब पीरियड आने से कुछ दिन पहले, जब डिस्चार्ज होता है और जब पीरियड ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ हल्की सी स्पॉटिंग अंतिम दिनों में होती है, तब भी मैं इस पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करती हूँ। और ये बिल्कुल स्लिम है और थिन है, बिल्कुल फील नहीं होता है कि आपने कुछ इस्तेमाल भी किया है अपनी पैंटी में, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में वाइड डिस्चार्ज तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल भी हो जाता है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन लग जाता है, कई बार इसमें से स्मेल आने लगती है। अगर इस डिस्चार्ज का कलर जो है वो येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर का, या इसमें से बहुत अधिक बदबू आने स्टार्ट हो जाए, तो उस समय आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और अगर बहुत अधिक डिस्चार्ज हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी पैंटी में वो डिस्चार्ज होने दें और लगातार गीला जो है फील करें, और लगातार नीचे गीला होने से आपकी वजाइना में इन्फेक्शन लग जाता है, जो कि आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए भी सही नहीं होता है। इसलिए वजाइना को ये ज़रूरत होती है कि वहाँ पर लगातार ड्राइनेस रहे और वहाँ पर साफ़ सुथरा रहे, इसलिए लगातार पानी से यूरिन करने के बाद उसे साफ़ करती रहे, साफ़ सुथरा रखें, साफ़ पानी से साफ़ करें, और अगर इस तरह की बदबू अगर आपको फील हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू।